नमस्कार, जय माता जी। आज हम एक और नई दिशा के बारे में जानेंगे। साउथ और वेस्ट का बीच में, साउथ वेस्ट है उसके बाजू में, यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग, ये बहुत अच्छी जगह है जहां पे आपको सेविंग यानी कि आपकी तिजोरी रखनी चाहिए, आपको सोना चाहिए। बच्चे अगर सोएंगे, अगर एजुकेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बड़े भी इधर सो सकते हैं। तो इधर बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट जगह है, बेडरूम सबसे अच्छा है। वास्तु दोष बोलेगा तो वास्तु दोष क्या है? सबसे बड़ा वास्तु दोष अगर टॉयलेट आ गया तो वो डिस्पोज कर देगा आपकी सेविंग को और आपकी पढ़ाई को। अगर समझो कि इधर इस जगह पे आपने टीवी रख दी वेस्ट साउथ वेस्ट में, और बच्चे को आप बोलोगे कि बच्चा पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो बोलेगा मेरे को कार्टून देखना है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वेस्ट साउथ वेस्ट से टीवी हटा दीजिए और उसकी बुक रख दीजिए, तो वो पढ़ाई में ध्यान ज्यादा देगा। पर इधर ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने का। वो व्हाइट कलर का बुक्स का जो कवर रहता है या येलो कलर का रहता है वो आप इधर रखो तो सबसे बेस्ट है। इसकी जो पढ़ाई की टेबल है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो बच्चे की, तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। आपको इतनी पढ़ाई में आगे लेके जाएगा ये वेस्ट साउथ वेस्ट कि आप जो फादर है उसके पीछे बस आपको फिर पैसा खर्चा करके आपको जो बनाना है लड़के को बना सकते हैं। ओके, तो ये रहा वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन और सेविंग का। दूसरा, इधर बेडरूम अच्छा है, टॉयलेट अगर आ गई वास्तु दोष, किचन आ गया तो वास्तु दोष। तो किचन अगर इधर आ गया तो इसके नीचे आपको येलो कलर का पत्थर यानी कि मार्बल या विनाइल शीट येलो कलर की या पेंट येलो कलर का आपको करना है। उसके बाद आपको गैस स्टोव रखना है तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर एंट्रेंस आ गई तो W2 में नहीं आनी चाहिए, W3 में आनी चाहिए। W4 इधर है वेस्ट में, W3 आपको पैसा देगा। ठीक है, तो W3 यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है, W2 इधर है, W3 इधर सेंटर से इधर है। ठीक है, तो ये आपको पैसा देगा। तो इधर की जो भी एंट्रेंस है वो नेगेटिव है। अगर फुकुट में भी अगर घर मिले, अगर मकान मिले तो नहीं लेना है। उसके ऊपर 10 लाख रुपया कोई दे तो भी नहीं लेना है। ये इधर से साउथ साउथ के बाद साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 का एंट्रेंस अगर आ गई तो आप कितनी भी एफर्ट कर लो, कितने भी कर्म कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, फलेगी नहीं। मैं भी पूजा पाठ बहुत करता हूं, हमारे घर में भी यही एंट्रेंस थी, मैंने चेंजिंग करके जो मैंने पाया है इसके लिए मैं आज लोगों को सजेस्ट करने जाता हूं। ये जो द्वार है रोग का द्वार है, रोग इधर से रोग आते हैं। ठीक है, अगर जिस टाइम आपका घर का एंट्रेंस इस जगह पे हो तो आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप गॉड को हाथ नहीं मिलाते हो, किसको मिलाते हो? दानव को। तो इसके लिए ये रास्ता अच्छा नहीं है। अगर कोई फ्री में भी घर दे तो नहीं लेना है। आज फ्लैटों में यही द्वार ज्यादा देखने को मिलते हैं तो उसको अवॉइड करो, ये द्वार होना ही नहीं चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ये एरिया में अगर द्वार आ गया ट्रीटमेंट कर सकते हो, मगर आपको फलित हुआ नहीं हुआ बोल नहीं सकता है। इसके लिए इधर द्वार होना ही नहीं चाहिए, मेन गेट होना ही नहीं चाहिए, ये आपकी स्टेबिलिटी को गिरा देगा। कितना भी कम कमाओ आपका पैसा खत्म, आप रास्ते पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये एरिया में डोर नहीं होना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट टॉयलेट आ गया तो आपको
ब्रास स्ट्रिप या एमएस की स्ट्रिप से आपको ब्लॉक करना है, इधर व्हाइट टैब या येलो कलर की टैब से ट्रीट करना है। टॉयलेट ट्रीटमेंट कलर के माध्यम में देखेंगे कि तो ग्रे आ गया, व्हाइट आ गया तो अच्छा है, ठीक है। पूरा घर ऑफ व्हाइट या व्हाइट का होना चाहिए, व्हाइट कलर से होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। और पूजा रूम इधर नहीं होनी चाहिए वेस्ट साउथ वेस्ट में। वेस्ट में पूजा रूम हो या एनएनई, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये ईशान कोना है, ओके, ये पश्चिम प्राप्तियों की जगह है, उसके बाजू में वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। जय माता जी।